बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है बिस्किट्स, ये गुड्डे बिस्किट्स है और ये बिटानिया टाइगर बिस्किट्स है, आप चाहे तो कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। और दूध यहाँ पर चाहिए हमें 100 ml, शुगर चाहिए 75 ग्राम पाउडर्ड शुगर, 2 टीस्पून मेल्टेड बटर, वैनिला एसेंस हमें चाहिए, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा चाहिए। तो सबसे पहले मैं इन बिस्किट्स को फाइन पाउडर बना लूंगी। तो बिस्किट्स को हमने फाइन पाउडर बना लिया है, अब इसमें जाएगी शुगर 75 ग्राम पाउडर्ड शुगर। वन टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा और इन सारी चीजों को साथ में अच्छी तरह से मिला देनी है। बिस्किट्स पहले से ही मीठे हैं तो शुगर अपने हिसाब से डाल दीजिए। अब इसमें जाएगी 20 ग्राम मेल्टेड बटर, ये 2 टीस्पून है, हाफ टीस्पून वैनिला एसेंस और जाएगी दूध। दूध को धीरे धीरे डालना है, एक बार में पूरे दूध इस्तेमाल नहीं करनी है और इसको अच्छी तरह से मिला देनी है। तो ये देखिए बैटर तैयार हो चुके हैं, इसको ऐसी कंसिस्टेंसी में लानी है। इस केक बेकिंग मोल्ड को मैंने बटर से ग्रीस कर दिया है और इसके नीचे लगा दिया है पार्चमेंट पेपर। अब इसमें मैं केक बैटर को पोर कर दूंगी। अब इसे दो बार ऐसे टैप कर देनी है ताकि इसमें जो भी एयर बबल क्रिएट हो गए हो वो बाहर निकल जाए। और इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दिया है, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। कुकर को मैंने 5 मिनट तक फुल फ्लेम में प्री हीट कर लिया है, उसके बीच में एक जाली लगा दिया है। अब एक प्लेट को ऐसे ऊपर सेट करना है और इसके ऊपर केक को प्लेस करना है। अब कुकर का जो ढक्कन है उसका व्हिसल और गैस्केट निकाल देनी है और इसे प्लेस कर देनी है और इसे एकदम स्लो फ्लेम पर 35 मिनट तक बेक कर लेनी है। 35 मिनट हो चुके हैं, अब चेक कर लेते हैं कि ये तैयार हो चुके हैं कि नहीं। तो एक चाकू की मदद से इसे देखते हैं, ये क्लीन निकली है मतलब एक हो चुके हैं। अब इस केक को मोल्ड से डीमोल्ड कर लेते हैं। केक यहाँ पर रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कितनी स्पॉन्जी बने हैं। अब इसको थोड़ी सी गार्निश कर देते हैं। मैंने इस केक को थोड़ी सी कैंडी स्प्रिंकलर और मिनी जेम्स के साथ गार्निश कर दिया है, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है लेकिन बच्चों का अगर इसे सर्व करना है तो ऐसे कीजिए, उन्हें बहुत ही पसंद आते हैं और घर पर इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। और मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।